अरे जल्दी भरो, पता नहीं कभी फिर से एकदम दाम बढ़ा दे। आज कितना बढ़ा है? 1 रुपया 11 पैसे। हेलो आकाश, तुम निकल गए क्या? हाँ मैं निकल चुका हूँ, देवदास अंकल पेट्रोल भरवा रहे हैं। तुम अपने पापा के साथ नहीं गए? मैंने कहा था ना कि अपने पापा के साथ ही जाना। मैं पापा के साथ ही जा रहा हूँ। देखा, तुम हमेशा उन्हें इतना परेशान करते हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। He's really great. कौन है जो इतना ग्रेट है? जिसने अपना फोन तोड़ा था आपकी वजह से। मैं उनके लिए नया फोन खरीद तो रही हूँ, दे दूंगी। हेलो पहले खा लो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बॉस मुझे चाबी दो, मैं चला जाता हूँ। दूर, शराब की बू आ रही है। खुशबू बोलो बॉस, थोड़ा सा बुखार है तो ब्रांडी में काली मिर्च डालकर पी ली। ब्रांडी में काली मिर्च? पागल हो गया क्या तू? मेरी बात मानो बॉस, आपको भी बुखार आए तो आप भी। चल चल थोड़ा दूर हो। बॉस भाई। हाँ बोल रॉकी। बॉस भाई, वेलजी भाई का छोटा भाई है ना, उसने हमको जमीन बेचने का वादा किया था। अब छोटे भाई का छोटा भाई ना बोल रहा है। जब सौदा हो गया तो भाई बीच में कहाँ से आ गया? वो तो उसके पापा को पूछना पड़ेगा। कांडो थई गियो छे बेवकूफ। बॉस भाई, वैसे कोई वादा नहीं है, आप बस 5 मिनट के लिए आओ, काम सुलटा और निकल लो। पापा उल्लू के पट्टे। मुझे बुलाया बॉस। तुझे बताया था ना आकाश के साथ पौंडीचेरी जा रहा हूँ। लेकिन बॉस भाई, अगर आप नहीं आए तो हमारा एडवांस डूब जाएगा। ने डूबती नहीं है तो आप भी पार लगाते हो ने। आ जाओ ने बॉस भाई। बॉस एक बार चल कर देख क्यों नहीं लेते, मैं आकाश को लेकर मुंबई चले जाऊंगा। मुंबई? पांडिचेरी जाना तो मुंबई की बात कर। पांडे कौन है? बस चेरी खाता है क्या? हेलो आकाश, तुम लोग पहुंच गए क्या? नहीं, अभी तो चेन्नई भी पार नहीं किया। क्या रास्ते में पापा को कोई बिजनेस डील करनी है? रास्ते में ऐसा कौन सा बिजनेस होता है? और कौन सा बिजनेस, वही मारपीट वाला, वही तो उनका मेन बिजनेस है। उन्होंने कहा था 5 मिनट में आ जाएंगे, पर 2 घंटे हो गए, बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है। लो बिजनेस शुरू हो गया, अब तो 5 मिनट में हो जाएगा। चश्मा निकाल तभी तो बॉस भाई दिखेंगे। फसाद की जड़िया आदमी है। मुझे मेरे बाप की नाजायज औलाद के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। न जाने ये कहाँ से टपक गया, आप मुझे जमीन भी नहीं बेचने दे रहा है सर। मैं नाजायज औलाद किसे बोला? तेरा बाप मेरी माँ का सच्चा प्यार था, तेरी माई उन्हें बहका के ले गई थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप साइन करो। ए दास, इतनी जल्दी पांडिचेरी पहुंच भी गए? अब बहुत तेज चलाते हो बस। पापा कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, हम पहले ही 2 घंटे लेट हैं। अरे नहीं चिंता मत कर, पहुंच जाएंगे। ऐसे कह रहे हो जैसे हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ए रॉकी, आपने बुलाया मैं चलाया। जल्दी से एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर। खेत में कीड़े मारने की दवा छिड़कनी है। जूनियर को खेलने के लिए चाहिए, आस पास में दुकान होगी, छोटा सा ले आएंगे और डिग 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 उड़ाएंगे। तू बकरा, तू डायनासोर। देखो हेलीकॉप्टर कहाँ लैंड हो सकता है, जल्दी से पांडिचेरी पहुँचना। अभी तक हम पांडिचेरी नहीं पहुँचे, अभी तो हम वेलाचेरी में हैं। हटो। बस क्यों ना हम एक हेलीकॉप्टर खरीद ले, मैं उसका ड्राइवर बनूंगा। वो ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है दास अंकल। हेलो, फंक्शन शुरू हो गया क्या? जब पहुँचूंगा तब पता चलेगा, अभी तो आधा रास्ता भी पार नहीं किया। तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो, अब तो वहाँ पहुँचने के लिए उड़ कर जाना पड़ेगा। उड़ के ही जाएंगे, इसीलिए तो पापा ने हेलीकॉप्टर मंगवाया ना। हेलीकॉप्टर? रियली? बस हेलीकॉप्टर आ गया। अच्छा सुनो, आर्नल्ड अंकल हेलीकॉप्टर ले आए हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मम्मी, आकाश के पापा उसे हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हैं, कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी। कितनी अच्छी किस्मत है ना उसकी, हो सकता है एक दिन उसके पापा उसे रॉकेट में ले जाएं। अरे आर्नोल्ड, मैं और बॉस नीचे इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम हमें देख सकते हो? आर्नोल्ड इधर इधर। अबे कौन है जो फोन करके परेशान कर रहे हैं? बॉस हमें आर्नोल्ड फोन कर रहे हैं। हेलो आर्नोल्ड, दिख नहीं रहे कहाँ? ए आर्नोल्ड, आर्नोल्ड आप बोलो। हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे उतर, ये मैं रूमाल हिला रहा हूँ ना, देखा इधर उतर। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। नहीं दे रहे कि नहीं? अरे पंखा बंद करके बात करना, ये किधर जा रहे हैं? बॉस अकेले पांडिचेरी जा रहे हैं क्या? इसके पीछे चलते हैं। ए आर्नोल्ड, आर्नोल्ड क्या? अरे राइट मारो, राइट नहीं, यू टर्न मार, यू टर्न। और इधर इधर उतर, यहाँ यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो पहुँच गए। ए देर तो नहीं हुई? अरे अज्जू इधर है तो हेलीकॉप्टर किधर है?
ये मुर्दा गाड़ी किस लिए लेकर आए हैं? हाँ हाँ ये भी चलेगा, वही तो कह रहा हूँ बॉस। बॉस देखो ना, ये हेलीकॉप्टर की जगह मुर्दा गाड़ी लेकर आए हैं। ये लाश लेकर जानी है क्या? तेरे लिए तो ठेला गाड़ी लाऊंगा, ये इमरजेंसी गाड़ी है, इस वक्त ये टाइम बचाएगी। ना ट्रैफिक की दिक्कत, ना सिग्नल का प्रॉब्लम, सीधा पांडिचेरी। ए नौटंकी बंद करो और गाड़ी में बैठो। जैसा आप कहें बॉस। यस पापा, मैं अंकल के साथ बैठूंगा। हाँ जाओ, तुम भी आ जा। हेलो आकाश, हेलीकॉप्टर में बैठ गए? हाँ, हम बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। हम कौन? मैं आर्नोल्ड, बॉस का बॉडीगार्ड। दास मतलब देवदास। ओके, ऊपर हेलीकॉप्टर में तो नेटवर्क नहीं होता, इसका मतलब तुम अभी जमीन पर हो। तुझे क्या लगता है कौन है? कौन है ये? ये प्रिया बहादुर है। क्या प्रिया बहादुर? प्रिया बहादुर जैसी तो है ये। प्रिया बहादुर नहीं है। मानने में क्या जाता है कि प्रिया बहादुर ही है। बॉस आगे चल के देखते हैं। चलो आगे बढ़ो। मैडम एक सवाल, मैडम बस एक सवाल। कल्याणी जी, आपके बारे में सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से प्यार है। क्या वो भी इसी इंडस्ट्री से है? नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, उनकी बीवी गुजर चुकी है और एक बच्चा है। चलो चलो, हवा इन दो, हमें जाने दो, अपने जेब पॉकेट संभालो। थोड़ी जेब जल्दी है, तोड़ के जा। अबे धक्का किधर है? देखिए जेब कतरा, उस तरफ नहीं जा पाएंगे। चलो कार में से चलते। ये तो उनकी कार है ना। तो क्या हुआ, रास्ता तो ले रहे? अरे वाह, सही रास्ता ढूंढा बस। आप शादी के बाद भी एक्टिंग करेंगे? क्या आपके मंगेतर इसके लिए तैयार हैं? जी, उन्होंने हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। ओके आजा, ये आखिरी रास्ता है, आजा। वो तो बिल्कुल सही कह रही थी। गेंडे संभल के पहुँच जाएगा। अरे ये तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रविंद्र सिंह के बेटे भास्कर हैं। मैडम सर आते ही हम लोग एक साथ चलेंगे। सर एक आपके और कल्याणी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? कल्याणी, ये कल्याणी घंबे की बात कर रहे हैं। नहीं, कैसे पता चला? उसके बारे में सब जानते हैं, आप डर मत, बोल दो। डर नहीं रहा हूं, तो बता दो ना। हाँ मेरा और कल्याणी का रिलेशनशिप है। ये कब से चल रहा है? मैंने पूछा ये कब से चल रहा है? काफी टाइम से। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? ये करीब जब मेरी बीवी की डेथ हुई थी, उसके बाद से ही शुरू हुआ। जब भी बॉस दुखी होते हैं तो मुझसे आकर कल्याणी मांगते हैं, फिर चाहे कोई भी वक्त हो, मैं इनका पूरा ध्यान रखता हूँ। तो आप शादी कब कर रहे हैं? पहले से ही शादी शुदा है, बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहा है? चला, बहुत सवाल हो गया। चलो चलो बस, मेरी शादी के बारे में कोई पूछता ही नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरूर सीक्रेट शादी की होगी। वीआईपी कॉल साउंड। नहीं नहीं सर, आप लोगों को मेन स्टेज पर ही बैठना है, प्लीज मेरे साथ आइए। चलो प्लीज कम, प्लीज। थैंक यू, बैठिए। थैंक यू। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? आकाश। गुड इवनिंग, सबका यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे लिए चीफ गेस्ट बन के आई है कल्याणी जी, और आप सब इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कल्याणी जी को कि वो दो शब्द कहे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस थोड़ा सा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आज बच्चों को प्राइजेस देने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हेलो, हे, तुम आज टीवी पर आ रहे हो? मैं सच में मैं इस वक्त एक्ट्रेस कल्याणी के साथ हूँ। मैंने तो उनके साथ एक सेल्फी भी ली। वो जल्द ही कल्याणी जी के साथ शादी करने वाले हैं, और इस बात का जवाब हमें मिल चुका है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पापा एक्ट्रेस कल्याणी से शादी कर रहे हैं? मैं उनके पेरेंट्स को भी कंग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतनी। ये तुमसे किसने कहा? टीवी पर दिखा रहे हैं। पहले अपना फोन निकालो और न्यूज चेक करो। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ देख लो, तुम्हारी हीरो को हीरोइन मिल गई है।
बेचारी हीरोइन। कल्याणी जी, आपके बारे में सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या वो सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है, मुझे किसी से प्यार है। आपके और कल्याणी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तुमने ये वीडियो कब बनाई? ये कोई वीडियो नहीं है, ये तो न्यूज है। न्यूज है? कल्याणी से शादी करने वाले कोई आम आदमी नहीं है, वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रविंदर सिंह के बेटे भास्कर रविंदर सिंह हैं। एक्ट्रेस कल्याणी और भास्कर ने इसकी जानकारी खुद दी है। उन्होंने खुद शादी की है जिसकी पुष्टि भास्कर ने की है। थैंक यू। नाक कटा के रख दिए। रविंद्र सिंह का बेटा। मेरा भी नाम जुड़ गया है इसमें। क्यों ना इसके खिलाफ एक और खबर छिपा दे। क्या लिखोगे? कि बिजनेसमैन भास्कर रविंद्र सिंह का बेटा नहीं है? ए, ये घटिया काम करने के लिए तो इन बंदरों को अपने साथ पौंडीचेरी लेकर गया था। उठाना फोन। हेलो। हेलो, भास्कर सर हैं? मैं एक्ट्रेस कल्याणी का मैनेजर बोल रहा हूँ। मैडम भास्कर सर से बात करना चाहती हैं। अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी, बॉस भाई डाट खाने में बिजी हैं। तुम्हारा ही मैटर है भाई। कौन है फोन पर? बॉस दादा, जब कोई फोन पे बात कर रहा हो तो उसे डिटेल नहीं पूछनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही बैड मैनर है, ऐसा मुझे जूनियर ने सिखाया है। हेलो। हेलो, मैं एक्ट्रेस कल्याणी बोल रही हूँ। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों फैलाया है? इससे मेरा नाम बहुत बदनाम हो रहा है। मैं भास्कर नहीं, रविंद्र सिंह बोल रहा हूँ, उसका पापा। एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है, आपके नाम पर एक बियर बिकती है। असल में मेरे बेटे ने उसके बारे में बात की थी, लेकिन मीडिया और दूसरे लोगों ने कुछ और ही समझ लिया। लेकिन इन सब का क्या फायदा? मेरे और मेरे मंगेतर के बीच में गलतफहमी हो गई है और उन्होंने शादी भी रोक दी है। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं? आप चिंता मत कीजिए, इस गलतफहमी का आपकी शादी पर कोई असर नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप दोनों की शादी अच्छी तरह से हो, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ऐसे ही लिया जाता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हे बॉस दादा तो कमाल है भाई। और हाँ, कल्याणी की फैमिली जैसी तैसी नहीं है। मम्मी मुस्लिम, पापा पंजाबी, भाई क्रिश्चियन, लेकिन कल्याणी पक्की हिंदू। पूरी फैमिली नेशनल इंटीग्रेशन। इसी तरह की लड़की इस घर की बहू बनी है। मुंह बंद कर वरना सर फोड़ दूंगा। अरे रुक रुक, क्या कर रहा है? इनकी पिटाई तो बाद में करना, सबसे पहले उस आदमी से मिलकर आ जिससे वो शादी करने वाली थी। माफी मांग, उसे समझा कि असल में क्या हुआ था और दोनों का मिलन करा के। वो आदमी कहीं भी छुपा, हम उसे ढूंढ लेंगे।